अरे पूरा उबाल मार रहा खून हमारे हिंदुत्व पे उंगली जब से उठाई है वो। और अगर हमारे आसपास के सिनेमा घरों में लगता है इसका सीधा, ये जब शाहरुख खान है ना इनकी फिल्म इनकी चड्डी में हम डाल देंगे। अरे भगवान रंग को ये टारगेट किया जा रहा है ना। आइए दोस्तों हम बात करते हैं जो पठान मूवी जनवरी में रिलीज होने वाली है उसका एक गाना है बेशरम रंग, उसको लेकर विवादों में घिर गई है और आम जन से हम पूछते हैं कि पठान मूवी के लेकर लोगों में क्या आक्रोश है। हमें यहाँ पर लोग दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे शाहरुख खान का और दीपिका पादुकोण का पुतला भी लिए हुए हैं। इनके बारे में पूरी विस्तार से हम आपको बताते हैं। आप बताइए पठान मूवी के लेकर आप में क्या आक्रोश है? पूरा उबाल मार रहा खून हमारे हिंदुत्व पे उंगली जब अगर सामने होते तो इतने चप्पल जूते मारते कि पूछो ना, पुतले पे हम अपना गुस्सा देखो दिखा रहे हैं। ये जो शाहरुख खान है ना इनकी फिल्म इनकी चड्डी में हम डाल देंगे, जैसे लाल सिंह चड्ढा की चड्डी पहना के भगा दिए। ये जो बेशरम है दीपिका पादुकोण नंगी नाचती है, ठीक है, ये हिंदुत्व लायक है ही नहीं है। दीपिका पादुकोण सिर्फ हिंदू नाम की है। अरे भगवान रंग को ये टारगेट किया जा रहा है ना, और ये कहीं ना कहीं हिंदू धर्म के पूरे मानवता की बहुत बड़ी ठेस है, इसलिए कहीं ना कहीं पूरे हिंदू को एकजुट होना चाहिए और इस पठान मूवी को सीधे पठानकोट है ना रावलपिंडी से भेजना चाहिए। जितने खान हैं जितने पठान हैं ये सब क्यों बार बार हिंदुओं को मतलब छेड़ रहे हैं, मतलब भावनाओं को क्यों इनको मतलब उलझा रहे हैं। इसलिए हम यही चाहते हैं ये पठान मूवी जितने जल्दी हो तुरंत बहिष्कृत हो, तुम बंद हो, और जितने लोग इसमें शामिल हैं हॉलीवुड बॉलीवुड जितने एक्टर हों उस पर कहीं ना कहीं इसमें कार्रवाई भी होनी चाहिए। इसके पहले भी एक मूवी आई थी लाल सिंह चड्ढा, उसमें आमिर खान कह रहे थे कि लोग बायकॉट भले बोल रहे हैं लेकिन कोई बायकॉट नहीं कर पा रहा। तभी तो लाल सिंह चड्ढा को सिर्फ पैजामा पहना कर सीधे रावलपिंडी एक्सप्रेस से भेज दिया गया, पाकिस्तान भेज दिया गया है ना, इसीलिए उसे और वही हाल सेम टू सेम समझ लिए पठान मूवी के साथ होना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बताइए भाई आप पठान मूवी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? हम पठान मूवी का यही कहना चाहते हैं कि उसका जल्द से जल्द सरकार द्वारा या गवर्नमेंट जो भी यूपी सरकार हो, अन्य स्टेट की सरकार हो या केंद्रीय सरकार हो, कोई भी हो, ये है कि उसको बैन कर दिया जाए, पूरी तरह बैन कर दिया जाए, क्योंकि ये लोग हमेशा जो है भगवा रंग अन्य आर्मी को लेके मूवी बनाते रहते हैं और ये सब सीधे टारगेट हिंदू को करते हैं। और अगर हमारे आसपास के सिनेमा घरों में लगता है इसका सीधा आसपास के सिनेमा घरों में ना लगे। और फिर जो है ये है कि यही शाहरुख खान है जो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, और अगर ये पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं और हम हिंदू भाइयों को चाहिए कि इनका सपोर्ट ना किया जाए। और यही दीपिका पादुकोण है जो जेएनयू में मध्य भारत के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं अगर पठान मूवी में कुछ बदलाव नहीं किया गया तो मध्य प्रदेश बैन किया दिया जाएगा, क्या उत्तर प्रदेश में भी इस तरह कदम उठाना जाना चाहिए? क्यों नहीं, योगी सरकार ने तो कहा है कि अगर ऐसे नहीं किया गया इसके एडिट की नहीं किया गया मूवी के अंदर तो यहाँ भी बैन किया जाएगा। योगी सरकार ने सीधा चैलेंज दिया कि इसके अंदर भाई एडिट किया जाए मूवी को। और जो है फिर यही दीपिका पादुकोण जो है जेएनयू में जो भारत तेरे टुकड़े होंगे टुकड़े गए के समर्थन की थी, और हम इनका समर्थन कैसे करें दीपिका पादुकोण को सीधा? दीपिका पादुकोण एकदम समझ लीजिए सिर्फ नाम की हिंदू है, और इसका काम तो समझ लीजिए एकदम बेशर्म का महाबेशर्म का है, सिर्फ काम ओनली सिर्फ हिंदू का है, सिर्फ दिखावा है, नाम है, और नाम से उसके मत जाइए, वो कुछ नहीं है समझ लीजिए हिंदू। हम हिंदुओं को अब यही है कि जागरूक होना चाहिए, इन लोगों को खान गैंग का पूरी तरह विरोध करना चाहिए, और हम एक ही चीज कहना चाहते हैं कि हम बंदूक और बांसुरी दोनों बजाना जानते हैं, हम बंदूक और बांसुरी दोनों बजाना चाहते हैं, तो तुम्हें करना है कि तुम किस धुन पे नाचोगे, अपने हालात बदल लीजिए, नहीं तो हम। आप ये बताइए हर बार केवल हिंदू धर्म को ही टारगेट क्यों किया जाता है? इस्लाम धर्म भी है, ईसाई धर्म भी है, सिख धर्म भी है, और भी धर्म है, लेकिन हिंदू धर्म को ही टारगेट क्यों किया जाता है? जो है आप मूवी बनाइए, हम नहीं कह रहे हैं कि मूवी आप मत बनाइए, लेकिन अपने धर्म पे अपने मजहब पे या किसी के मजहब धर्म पे विरोध करोगे, जैसे टारगेट करोगे बनाओगे फिल्म, तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसे भगवा रंग हुआ, बिकनी में नाच रही हैं, उसको छोटे लज्जित कर रही हैं भगवे रंग को, बेशरम रंग कहा जा रहा है, ऐसा नहीं होने देंगे हम। हम मुंबई जाएंगे, इंडस्ट्री में जाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, हम रिलीज नहीं होने देंगे, देखते हैं कौन यूपी में करवाता है। बर्दाश्त नहीं करेंगे अपने हिंदुत्व के ऊपर कोई हमारे हिंदुत्व पे उंगली उठाए, ठीक है। अरे आमिर खान को याद होगा कि लाल सिंह चड्ढा का क्या लोग बोले थे कि लोग विरोध कर रहे हैं लेकिन हमारी फिल्म जो है हिट होगी, और वही हाल हुआ कि लाल सिंह चड्ढा चड्डी पहन के भारत से बाहर हो गए हैं, और वही हाल होगा ये पठान मूवी जो आ रही है, पठान मूवी भी पठानकोट ही जाएगी, पाकिस्तान में ही चलेगी या इंडिया में नहीं चलेगी। ऐसी बात नहीं है, आप किसी धर्म मजहब
को मत देखते हुए बनाओ कि किसी धर्म को या किसी मजहब को ठेस पहुंचे। आप बनाइए, अगर आपको इतना ही शौक है किसी इस्लामिक पे बना के दिखाइए हमको। अक्सर हम लोग देखते हैं जब पिक्चर बनते उसमें डिस्क्लेमर दिया जाएगा कि ये जो फिल्म है किसी धर्म को लेकर किसी जाति नस्ल को लेकर मतलब भेदभाव नहीं किया गया है, लेकिन बस एक डिस्क्लेमर देने से क्या फिल्म की शुद्धता को मापा जा सकता है? डिस्क्लेमर देने से क्या फिल्म को हम सही मान लिया जाए? या भारत सरकार जो भारत फिल्म मंत्रालय है इसको कड़ा एक्शन नहीं लेना चाहिए? इसको क्यों नहीं लेना चाहिए? सेंसर बोर्ड इस फिल्म को कैसे पास कर देती है? अरे पास नहीं होगा आपकी, टेंशन मत लो आप। ये आखिरकार जो इस तरह के फिल्में बन रही हैं हर बार, कभी भारतीय आर्मी को, कभी भारतीय वायुसेना को, कभी हिंदू धर्म को, कभी मतलब इस तरह से फिल्में जो बन रही हैं, इनका इलाज क्या है? कि मतलब जो बच्चे भी छोटे हैं उनको समझ नहीं है कि इनको अभी से जो जहर भरा जा रहा है उनके दिमाग में, इसको आखिर रोका कैसे जा सकता है? इसका इलाज यही है कि हमारे देश की जो भारत सरकार है उसको चाहिए कि ऐसी फिल्मों को जो सेंसर बोर्ड बनाया गया है सेंसर बोर्ड से अप्रूव ना किया जाए। अब ये लोग जो है सेंसर बोर्ड वाले जो हैं ये सब अप्रूव कर देते हैं, इससे ये चाहिए कि भारत सरकार को कैबिनेट में बैठक बनानी चाहिए। कैबिनेट जो है ये तय करे कि हमें कैसी फिल्में अप्रूव करनी है कैसी नहीं करनी है। अभी तक फिल्म को लेकर कोई कानून नहीं बना है कि किस तरह से फिल्में जो है कानून के तहत उनको लाया जाए? अभी तक कोई कानून नहीं बना कि एक फिल्म अगर कानून होता तो इस फिल्म पे कोई रोक लग सकता है। तो ऐसा कदम उठाना चाहिए, कानून बनाना चाहिए, गवर्नमेंट को कानून बनाना चाहिए कि फिल्मों को कैसे बनाना चाहिए कैसे नहीं बनाना चाहिए। हम किसी धर्म मजहब को देखते हुए ठेस ना पहुंचाए किसी धर्म को, चाहे हिंदू धर्म, चाहे मुस्लिम, चाहे ईसाई हो, बौद्ध हो, पारसी हो, कोई भी हो, हमें ऐसी मूवी नहीं बनानी चाहिए। कि उस तरह की फिल्में नहीं बन रही हैं कि जिसके साथ हम परिवार के साथ पिक्चर देख सकें। ऐसी फिल्में हमें जानते हैं बहुत दिन हो गए हैं, ऐसी एक पिक्चर बनी बाहुबली पिक्चर बन रही है और इसके पहले मंगधीरा पिक्चर बनी थी, ये सब फिल्में आप परिवार के साथ देख सकते हैं, लेकिन आप पठान मूवी को अपने परिवार के साथ नहीं देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं, क्योंकि साउथ फिल्में जो है हमारी भारतीय संस्कृति को दिखाती हैं और ये जो है बॉलीवुड फिल्में जो है ये भारतीय संस्कृति को भूल ही चुकी हैं पूरी तरह से। हिंदुत्व को एक टारगेट करने का इनका कहीं ना कहीं मुद्दा है, क्योंकि वो किसी भी बहाने हिंदुत्व को छेड़खानी करते हैं। बस उनका ये सबसे ज्यादा जो दर्शक हैं हिंदू लोग हैं। नहीं तो उसीलिए बता रहे हैं कि हमारे 80% हिंदू भाई समझ लीजिए अगर इसको इस मूवी को पूरा बहिष्कृत कर दें तो समझ लीजिए चड्ढा नहीं लाल सिंह चड्ढा की तरह उनका पजामा की तरह उनका हाल हो जाएगा। लेकिन अब देखिए क्या है कि सब हिंदू भाइयों को इसमें एक होने की बात है, सब लोग एकजुट हों और इस मूवी को बिल्कुल चलने ही ना दें। मैं तो यही कहता हूँ उसमें बदलाव फिरदलाव की बात वो अलग छोड़िए, अलग बात है ये बात, नहीं तो ये बार बार हिंदुत्व के साथ ये छेड़खानी करेंगे, बार बार कुछ न कुछ मुद्दा उठाते रहेंगे। इसलिए हम तो लोग सब लोगों को एकजुट होना मतलब जरूरी हो गया, चाहे जिस प्रकार से। और जो सच्चे मुस्लिम होते हैं वो कभी ना मूवी बनाते हैं ना मूवी को देखते हैं। और पठान भी जिस तरह से शाहरुख खान को दिखाया गया, अगर एक सच्चा मुसलमान होगा वो भी इस फिल्म को नहीं देखेगा, क्योंकि तो पठान भी इस तरह से अश्लील मतलब फोटो में अश्लील वीडियो में इस तरह से अपना फिल्म को बनाना ही चाहेगा। बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो है कुरान में ऐसा ही नहीं लिखा गया है कि जो है हम लोग मूवी देखें। कुरान में यही है कि हम लोग मूवी पिक्चर जो भी है ये उन लोगों में हराम माना जाता है, सच्चे मुस्लिमों लोग यही मानते हैं। देखिए दोस्तों, बाकी हमने इन सभी युवाओं से बात कर लिया है कि पठान मूवी के बारे में। अगर आपकी क्या राय है, क्या आप भी चाहते हैं इस तरह से किसी भी धर्म को किसी भी मजहब को बदनाम ना किया जाए, तो आप कमेंट करके बताइए। और आप ये बताइए इस तरह से मूवी जो बन रही है इनका इलाज क्या है? आखिरकार हम इन फिल्मों को समाज से अपने परिवार को कैसे बचाएँ? कहीं ना कहीं समाज में और भी चीज़ें हो रही हैं उसको दिखाया जाए, साइंस का ज़माना है साइंस के बारे में बताया जाए, लेकिन इस सब फिल्में पे कोई वीडियो नहीं बनाना चाहता। और कम से कम ऐसे फिल्में बिल्कुल ना बने जिससे बच्चों के दिमाग में गलत मैसेज जाए, हमारे समाज में गलत मैसेज जाए। बाकी आपकी क्या राय कमेंट करके हमें जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।